मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत बनाम इंग्लैंड पहले T20 में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट और 11 गेंद शेष रहते हुए हरा दिया है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 147 रन बनाए। धोनी के 36 रन, रैना के 34 और विराट कोहली के 29 रनों की बदौलत भारत 147 तक पहुंच पाया। बॉलिंग में इंग्लैंड ने जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन जब भारत की बारी आई तो भारतीय बॉलिंग बिखरी नजर आई। पारी की शुरुआत करने उतरे जेसन रॉय और ब्लिंक्स ने जबरदस्त तेज तर्रार शुरुआत की और मात्र 3.2 ओवर में 42 रन जोड़ दिए। भारत को पहली सफलता रॉय के रूप में मिली, जिन्होंने 11 गेंदों पर 19 रन बनाए। उसके तुरंत बाद सैम बिलिंग्स भी आउट हो गए, उन्होंने 22 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। दोनों ही विकेट पारी के चौथे ओवर में चहल को मिले, जिन्होंने पहले दूसरी गेंद पर फिर पांचवी गेंद पर बिलिंग्स को आउट किया। लेकिन उसके बाद जो रूट और इन मॉर्गन ने पारी को संभाले रखा और जीत की तरफ अग्रसर होते रहे। मॉर्गन 50 रन बनाकर आउट हुए। उस वक्त इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट पर 126 रन, ओवर चल रहा था 16वां। जीत के लिए जरूरी रनों की औपचारिकता निभाते हुए जो रूट ने अंत तक बल्लेबाजी की। जो रूट 46 रन पर नाबाद रहे, 46 गेंदों का उन्होंने सामना किया। मॉर्गन ने 38 गेंदों पर 51 रन बनाए, बेन स्टोक 2 रन पर नाबाद रहे। तो इस तरीके से पहला मैच भारत हार गया है T20 में, और इस हार के साथ ही भारत को अब सोचना होगा कि आने वाले अगले 2 T20 में भारत किस टीम से उतरेगा, किस कॉम्बिनेशन से उतरेगा और किस तरीके से अब 2 मैचों में जीत कर इस सीरीज को जीतेगा। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।